बेतिहाता स्थित रीड साहब के धर्मशाला के पास रहने वाले विष्णु शंकर त्रिपाठी ने राजगढ़ थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान विष्णु शंकर त्रिपाठी ने वीडियो वायरल कर राजगढ़ थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद राजगढ़ थाना प्रभारी द्वारा जबरदस्ती मकान खाली कराया जा रहा है। उन्होंने थाना प्रभारी राजघाट पर मारने पीटने, गाली गलौज करने और मोबाइल रख लेने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने मामले की जांच एसपी साउथ को सौंपा है। वहीं इस संबंध में दूरभाष पर बात करते हुए एसपी साउथ व जांच अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों का बयान लिया गया है तथा राजघाट थाना प्रभारी से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा स्पष्टीकरण मिलने के बाद एसएसपी को जाँच की रिपोर्ट सौंपा जाएगा और जाँच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी साउथ व जांच अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने कहा, मैं विष्णु शंकर त्रिपाठी पुत्र महेश त्रिपाठी निवासी बासगांव वर्तमान समय में रिटसा धनशाला मकान नंबर 42 विजेंद्र सिंह के मकान में रहता हूं। दिनांक 19/9/2021 को राजघाट इंस्पेक्टर द्वारा बुलाया आया। हमने गया, उन्होंने न कोई कागज संबंधी न कोई बात किया न कुछ पूछा। उन्होंने ये कही शब्द पूछा कि तुम क्या करते हो। हमने कहा कि हम गोरखनाथ मंदिर के स्टूडेंट रह चुके हैं और गोरखपुर में ब्राह्मण का कर्म पूजा पाठ करके और अपना पालन अपना जीविका चलाता हूँ। लात से मारा और माँ बहन की गाली दिया जो कि और उनका चैम्बर में ले जाके पट्टे से मारा, जिसका प्रूफ शरीर के हमारे मौजूद है, उसका भी मैं वीडियो दिखाऊंगा। और अभी राजगढ़ इंस्पेक्टर द्वारा मोबाइल हमारा छीन लिया गया है जो कि अभी इस समय तक राजघाट में ही है और उन्होंने हमको आने वाले भविष्य में किसी भी अपराध में पास फंसाने की पूरी वो अपना व्यवस्था बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मकान बल के पूर्वक उन्होंने हमारा सामान फेंकवा दिया है राजघाट प्रकरण में एक मकान मालिक और किराएदार का जो तथाकथित विवाद का मामला आजकल चर्चा में है, उसमें एसएसपी साहब की ओर से मुझे जांच सौंपी गई है। जांच में मैंने शिकायतकर्ता के और उसका जिसपे आरोप है उस व्यक्ति के बयान ले लिए हैं, मौके का मुआयना कर लिया है। इंस्पेक्टर से भी अपना पक्ष रखने के लिए मैंने रिपोर्ट मांगी है। जैसा भी जांच में होगा सारे पहलुओं की जांच करके साक्ष्य और तथ्य पर आधारित आख्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा अतिशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।